बेदर्दी जब ये प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो ये काया रो रो के निवेदन कर रही है हो कंचन देहा और कंचन देहा अरे ले और कंचन देहा रे रोई रोई की ये काया कहे चले साहब अच्छा इनको दे जाऊंगा
कम मैं कोई मिली कर आऊंगा तो इनको दे जाऊंगा यार। क्या बात है। अरे ना सगी सपने की माया, ना सगी सपने की माया, हिलकी तेके रोए गई है काया, हिलकी तेके रोए गई काया, प्रसंगी तरफ आप कहें तो जो भैया चंद्रवीर सुना रहे थे इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊं, आप कहें तो दूसरा प्रसंग गाऊं। ए जी इसी प्रसंग को बढ़ाया जाए। लीजिए चंद्रवीर ने जो प्रसंग छोड़ा उसको मैं एक बार अवगत करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जूनागढ़ में राजा चित्रगुप्त नाम का एक राजा राज क्या करता था, जिसके एक बेटा था, बेटे का नाम मदन सेन था। मदन सेन को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और प्रजा से पूछा मेरा बेटा राज कैसा चला रहा है। सबने कह दिया तुम्हारा पुत्र राज अच्छा नहीं चला रहा है। मैलम आया मदन सेन को बुलवाया, मदन सेन से बोल दिया बेटा मदन सेन तूने मेरी प्रजा को बहुत दुख दिया है, मैं आज से तेरे लिए 12 वर्ष का देश न करा दे रहा हूं, चला जा जूनागढ़ राजधानी को छोड़ दे। परमादरणीय श्रोता रानी चंद्र प्रवास सहित राजा मदन सेन जूनागढ़ राजधानी को छोड़ देते हैं बियाबान जंगल में आगे। अचानक होता क्या है, एक बरकी शीतल छाया में राजा और रानी विश्राम करते हैं, कहीं से एक भुजंगी आकर एक सर्प आकर रानी चंद्रप्रभा को भग लेता है, डस लेता है। रानी चंद्रप्रभा दुनिया से विदा हो जाती है। एक एक लकड़ी इकट्ठी करके राजा मदन सेन उस बियाबान जंगल में अपनी चिता बनाता है और चिता में बैठ गया, रानी चंद्रप्रभा की लाश को अपनी गोद में उठा लिया और कह रहा है जब तू ही दुनिया से विदा हो गई तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। बोले बाबा और माँ पार्वती भ्रमण करते हुए चले आए मेरे भाई पवन कुमार। पार्वती रुक गई और बोली भोलेनाथ ये तो कोई दुखिया रो रहा है, हमारा फर्ज है दुखिया की रक्षा करना, इसकी आवाज को पहचानिए, आवाज यह कह रही है कहीं इसकी घरवाली तो नहीं खत्म हो गई है। ओहो भोला क्या सुन पार्वती अकल नहीं तेरी दुनिया में, कितने मरते कितने जीते रोज आना या दुनिया में, तू तो सबकी करेगी सिफारिश नहीं ज्ञान विधि को तोकू, पार्वतियां आप तरप जाएगी संसार सागर है। कोई मरता है कोई जन्म ले दे नहीं, हम इसकी रक्षा करने के लिए जरूर जाएंगे। आप नहीं जाओगे? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं तो सुनिए
ठहरिए। मैं जाते मिलवे जाऊंगी जब तक आप कष्ट पर घूमे नहीं लौट के कष्ट बता दे सारो और यहां रोधन करे अते मारो। बोले बाबा बोले मूर्ख तुझे हया नहीं आती इस चिता में बैठकर तू अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, चिता से बाहर आ जा। नहीं आऊंगा बाबा, राजा मदन सेन कह रहा है मैं चिता से बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? लो सुनो, उम्र 40 बचे तेरे,
उम्र 40 बचे तेरे भीषण को कर दे दान बचर तू सत मान मेरे और देख बराबर 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 हो बचे 40। अगर तू रानी को जिंदा कराना चाहता है तो 20 वर्ष रानी को दे दे, 20 वर्ष तेरे पास रहेंगी, तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। भोला की जब बात सुनी तो सोच करे मन गाड़ो है, छोड़ जिता को मदन सेन फिर एकदम हैगा ठाड़ो है। भोला के संकल्प करे तो तू जल्दी हामी भर ले अपनी दान उम्र को, उम्र देने के लिए तैयार है? हाँ बाबा, मैं उम्र देने को तैयार हूं। एक बात और सुन ले। क्या? अगर ये रानी तेरे साथ में कोई धोखा दगा करती है, रानी तेरी जिंदगी जरूर होगी, तू अपनी 20 साल उम्र दे रहा है और रानी कोई भी दगा करती है तो अपनी उम्र वापस ले लेना। और सुन, रानी को मत बताना, ठीक है बाबा? क्या किया? लियो हाथ में अरे छिड़क दिया बारा जाने पानी, जिंदी जाकी है गई है कि जिंदी है गई है रानी। खड़ी होकर बोली, पिया ते बोल रही बिना देव, मुझे गहरी निंद्रा आ गई, अब चलिए कहाँ चलना है? रानी जिंदी हो गई, भोले बाबा मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और राजा मदन सेन रानी चंद्र प्रभा को लेकर आगे की तरफ चलता है। भाई पवन कुमार सुनिएगा, मिनट रह गई 5, या ये गाँव का और कछु गाँव गानों गाऊं, तो सुनिए गाना। आइए एक गीत सुना रहा हूं आपके लिए और वो गीत है, इंसान न जाने कहां कहां भटकता है, कहां कहां घूमता है, अनेकों तीर्थ करता है और कभी कह रहा है, पहले तर्ज बता रहा हूं,
जिसने प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, जिसने प्यासे को पानी
श्रोता पैसे वाले के जो माता पिता हैं वो वृद्धाश्रम रहते हैं और गरीब लोगों के जो बच्चे हैं वो अनाथ आश्रम रहते हैं। हैं? ऐसे किए तो ना होगा भला। अगर ऐसे कर्म करता रहा मूर इंसान तेरा भला नहीं होगा। कर्म ऐसे किए तो ना होगा भला, रामू गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। पिता पानी को प्यासे तरसते रहे, पिता पानी को प्यासे तरसते रहे, सब पे काबर चढ़ाने से क्या फायदा। निज जननी के तन पे है धोती फटी, माँ पे चूंदर चढ़ाने से क्या फायदा। घर में मैया भूखी बिलकती रहे, संत ब्रह्म